अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सी एस एस। मैं हूँ सिकलैन चिमल और आज हम बात करेंगे जनरल एबिलिटी के बारे में या मैथ्स के बारे में। काफ़ी लोग कह रहे थे जी कि एग्जाम्पल थोड़ी सी कम है, आप इसमें एग्जाम्पल्स ऐड कर दें, थोड़ी बहुत और एग्जाम्पल्स दे के हमें समझा दें, या फिर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको ज़रा प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि किस तरह से किया जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए जाए। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो फॉर टुडे इस वीडियो वी हैव रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स। चार पांच प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से मे भी चारों पांचों कर लें या फिर दो तीन कर लें, वो देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर हैव 1210 रुपीज। इफ 4 ऑफ 15 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 2 बाय 5 ऑफ बीज अमाउंट, हाउ मच अमाउंट डज बी हैव। तो इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि जी ए इसके सामने ही, अच्छा मैं यहाँ पे सॉल्व करता जाऊँगा, यहाँ पे अगर रश मच जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। टोटल अमाउंट है जी हमारे पास 1210, ये हमारे पास इक्वेशन वन बन गई, ठीक है जी। दूसरा है जी कि इफ 4/15 इज इक्वल टू 2/5 b, तो 4/15 ए सॉरी इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं। चलें जी, 4/15 ए इज इक्वल टू 2/5 b, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन टू है। इक्वेशन टू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 2 4, 2a/3 इज इक्वल टू बी, या फिर a/b अगर हम कर लें तो ये 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, ठीक है जी। यानी कि a/b हमारे पास आ गई 3:2, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई? तो जाहिर है अब दो बंदों की ही पार्टनरशिप है और उनकी अमाउंट्स का हमें पता चल गया है कि ए और बी जो है वो 3:2 में है। तो आपके पास टोटल रेशियोज कितनी हो जाएगी, 2 + 3 5, ठीक है। और बी का उसमें से हिस्सा कितना आएगा, 2/5 × टोटल अमाउंट। तो आप एक तो तरीका ये है कि आप बी का पार्ट निकालेंगे तो बी की रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियोज कितने हैं, 2 + 3 5, मल्टीप्लाई बाय इसको कर दें टोटल अमाउंट से 1210, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। 5 1s are 5, 5 2s are 10, देन वी हैव 21, तो 5 4s are 20, और फिर 5 2s are 10, 242 × 2, तो 484 हो गया। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। एक तो ये आप तरीका कर सकते हैं। दूसरा आप यूँ कर सकते हैं कि यहाँ से जो है 2/3 a आया है आपके पास इज इक्वल टू बी जी। तो हमारे पास 2/3 a इज इक्वल टू बी आ गया था। यहाँ से हम सिंपली हमने, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हाउ मच अमाउंट डज बी हैव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 3b/2। इसको आप इस इक्वेशन में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैं यहाँ से इधर लेके आ रहा हूँ इसको, तो 3b/2 + b इज इक्वल टू 1210। ये देखिएगा, ये 2 LCM आ गया, 3b + 2b, 5b आ गया जी इज इक्वल टू 1210। तो b इज इक्वल टू 2 × 1210 / 5, सेम वही इक्वेशन है जो पहले वाली है, तो आंसर भी सेम आएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, तो रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स क्या है। आप यहाँ पे तीन नंबर अस्यूम कर लीजिए, x y z, ठीक है जी। और उसने क्या कहा है जी कि जो पहले दो है ना, ये 20% लार्जर है, ये 50%, ठीक है जी, 20% और 50%। तो कुछ तो ऐसे कहते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में, लाइक जो थर्ड नंबर फर्ज किया हुआ उसके लिहाज से आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें रख के तो उसका सलूशन कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो आपको टाइम ज़्यादा लेता है या फिर उसमें दिमाग थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है। मैं थोड़ा सा सादा बंदा हूँ, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ जी मेरे पास जो थर्ड नंबर है ना वो है 100, क्योंकि जो मेरे बेस नंबर लेना है उसको मैं कोई भी राउंड नंबर ले लेता हूँ, और ताकि अपनी आसानी के लिए, और दूसरी जो क्वान्टिटीज़ हैं उनको उनके लिहाज से वैल्यूएट करते हैं और फिर उनकी रेशो ले लेते हैं, ठीक है जी। तो मैंने फ़र्ज़ किया जी कि मेरे पास जो थर्ड नंबर है ना वो है जी 100, तो मेरे पास ये पहला नंबर क्या आ जाएगा, 20% उससे ज़्यादा है तो 120 आ जाएगा, इसी तरह ये 50% उससे ज़्यादा है तो 150 आ जाएगा, ठीक
ठीक है जी। तो अब हमने फाइंड क्या करनी है, हमने द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स यानी कि 120 और 150 के दरमियान में हमने रेशियो फाइंड करनी है। ये 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाता है, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आ जाता है। 4:5 इज द आंसर, ठीक है जी। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 नहीं लेना, आप 200 ले सकते हैं या आप 10 ले सकते हैं। मैं 10 भी लेके देख सकता हूँ, मैं 200 से भी देख सकता हूँ। अगर मैं 10 लेता हूँ तो पहला नंबर मेरे पास क्या आएगा जी, 12 आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरा है वो 15 आ जाएगा। अगर मैं 200 लेता हूँ तो 20% उसका क्या होगा, 40, तो 240 और यहाँ पे 300, इनकी आपस में आप रेशोज लें कैसे आएगी, 3 4 12, 3 5 15, यहाँ पे भी आंसर सेम है जी। और अगर हम इधर लेते हैं तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 240 बनता है, और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 300 बनता है। यहाँ पे भी रेशियो सेम है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर ठीक है। तो 4:5 इज द राइट आंसर। देन वी हैव अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5 2 4 3। कोई भी सम ऑफ मनी है, ठीक है। अब उसने सम वो आपको दिया नहीं है कि कितनी ज्यादा रकम है, लेकिन उसने कह दिया जी कि ए बी सी डी के दरम्यान में रेशियो ये है 5 2 4 3, ठीक है। चले अब इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपके सामने लिखा ही हुआ। इफ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, व्हाट इज बी शेयर। तो हम सी और डी को देखते हैं कि उनके दरम्यान में क्या रिलेशनशिप है। सी और डी की रेशियो है जी 4:3, ठीक है। और वो कह रहे हैं जी कि जो जितनी भी डी की अमाउंट है ना, डी की अमाउंट फर्ज कर लें एक्स है, तो उसके उससे 1000 ज्यादा जो है वो सी की अमाउंट है, ठीक है जी। जितनी भी एक्स डी की अमाउंट है उससे 1000 ऐड कर लें तो वो सी की अमाउंट बन रही है। तो इससे आपको क्या पता चला है कि जितनी भी एक्स है डी की अमाउंट, उसमें अगर हम 1000 ऐड करते हैं तो वो इसकी रेशियो बननी चाहिए, ठीक है जी। दैट मीन्स के एक्स जो है ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, ठीक है। और उसमें 1000 ऐड किया है जो नॉर्मल इंक्रीमेंट है बिटवीन टू रेशियोज या टू कंजेक्टिव नंबर के, 3 और 4 के दरम्यान में। मेरे पास अगर 3 रेशियो है और 1:4 दी हुई है, तो उन दो के दरम्यान में फर्क कितना है, 1000 का, क्योंकि सी और डी के दरम्यान में फर्क 1000 का है, ठीक है जी। तो ये जो 1000 है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव नंबर्स ऑफ अ रेशियो, ठीक है, 3 और 4 में। तो अब क्या मतलब है इसका, कि एक एक आप ऐड करते जाएंगे, 1000 ऐड करना है, एक आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 1000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो अगर सी के पास 1000 प्लस एक्स है, इफ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, व्हाट इज बी शेयर। तो बी का शेयर कितना होगा जी, इसमें से 1000 कम कर देंगे, ठीक है। 3 में 3x है, 3 = x आपने रखा हुआ है, तो इसमें से एक अगर आपने 2 निकालना है तो x में से 1000 माइनस कर देंगे, और वो क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 3000 उसकी थी, 4000 इसकी आ गई, 5000 2000 ये सारी इस रेशियो में आए। आगे चलते हैं, सीड्स फॉर मैथमेटिक्स, सॉरी, सीड्स फॉर मैथमेटिक्स बायोलॉजी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 5 7 एंड 8। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीड्स बाय 40% 50% एंड 75%। अब ये मजे का थोड़ा सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि यहाँ पे मैथ्स है जी, यहाँ पे फिजिक्स है और यहाँ पे बायोलॉजी है। इनकी रेशियोज ऑलरेडी हमारे पास क्या गिवन है, 5 7 और 8, ठीक है जी। अब इनमें इंक्रीमेंट कितना है जी, रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो पहले में इंक्रीमेंट है 40%, 5 का 40% आप इसमें इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट लिख रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे आप 50% इसका इंक्रीज करेंगे और इसका 75%। तो इनका 50% 40% 75% निकालने कितना आता है, 5 का 40% कितना आएगा, 5 × 40/100, ठीक है जी। ये 0 कट गया, 4 5 4 20, और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। 5 + 2 कितना हो जाएगा जी, टोटल हमारे पास फिर नई रकम क्या आ जाएगी, 7, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर 7 का 50% अगर हमने निकालना है तो 50/100, ठीक है, ये कैंसिल। 35/10 तो 3.5 आ गया हमारे पास जो इंक्रीमेंट है, इसको आप ऐड करेंगे ओरिजिनल रकम में तो 7 + 3.5 आ जाएगा। देन वी हैव 8 का 75%, तो
एट का 75%, 8, 75 और 100, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 75 फोर जार 300 और 300 और 300 600, तो इसका आ जाएगा 6। ठीक है जी, तो 8 + 6 हमारी नई रकम आ जाएगी। 6 जो है ये हमारे पास इंक्रीमेंट है, इसी तरह ये 3.5 इंक्रीमेंट था, यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट है। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो नई रेशियोज आ रही हैं उनको अब लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, 5 + 2 कितना हो गया जी, 7 रेशियो, 7 + 3.5 10.5 रेशियो, 8 + 6 14। ठीक है जी, और ऊपर आप सिमिलरली लिख देंगे मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी। इनको अगर आप कैंसिल करना चाहें तो कैसे इसका टेबल पढ़ेंगे, 7, 10.5 और 14 में क्या कॉमन है जी, 3.5 कॉमन है। 3.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10.5 आ गया, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। ये आपकी नई रेशियो है इंक्रीज करने के बाद, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। लास्ट वी हैव इन इट इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1, इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड इज। अच्छा जी, ये क्वेश्चन वैसे हमने आई थिंक पहली वीडियो में भी किया हुआ है, दोबारा से बता देता हूँ आपको। 60 लीटर है जी, ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी है, 2:1। दैट मीन्स कि इसके टोटल अगर आप 3 पार्ट करते हैं तो 2 पार्ट उसमें से मिल्क है और 1 पार्ट उसमें से वाटर होगा। तो 2 पार्ट्स अगर उसके मिल्क है तो वो 40 लीटर्स हो जाएगा, और 1 पार्ट जो है 20 लीटर है। इसको आप मिलाएंगे टोटल 60 लीटर ऑफ वाटर एंड मिल्क मिक्सचर आपके पास ओरिजिनल बन रहा है। ठीक है जी, अब वो आगे कहता है कि ये तो गलत काम है ना, अभी मेरे पास जो है ना पैसे थोड़े कम है तो मैं और ज्यादा उसमें पानी डालना चाह रहा हूँ, और इतना मैं पानी डालूंगा कि यहाँ पे रेशियो आ जाए 1:2, मिल्क आ जाए हमारे पास 1 में और वाटर आ जाए 2 में। ठीक है जी, तो मिल्क मेरे पास जितना है उतना ही है, अब मैं उसमें पानी और कितना डालूं। आपके पास पहले मिल्क आ गया कितना जी, 40 लीटर हमारे पास आया हुआ है यहाँ से। ठीक हो गया, तो अब इसमें कितना पानी डालें कि ये रेशियो 1 हो और इसके हिसाब से जो वाटर की रेशियो है वो 2 हो जाए। ऑलरेडी आपके पास 20 लीटर है, इसको अगर आपने 1:2 करना है तो यहाँ मुझे 40 चाहिए और यहाँ पे 80 चाहिए ताकि ये 1:2 हो जाए। ठीक है, 20 लीटर आपके पास ऑलरेडी है, तो जो डिफरेंस मेरे पास आ रहा है वो है जनाब 60 लीटर्स। ठीक है जी, तो 60 लीटर आप पानी ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा कि 60 और 60 120 हो जाएंगे टोटल मिक्सचर। अब देखिएगा कि इसमें से 40 लीटर हमारे पास मिल्क है और बाकी ये 60 + 20 जो है 80 वाटर आ गया। इनकी अगर आप रेशो लेते हैं मिल्क रेशो वाटर 40:80 और ये 1:2 बन रही है, दैट मीन्स कि आपका आंसर ठीक है, तो ये 60 लीटर इसका आंसर है। ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है एंड आई होप कि अब आपको ये समझ भी आ गया है किस तरह से इसको सॉल्व करना है, एंड आप अपने दिमाग से अपनी लॉजिक से किस तरह से इसको ठीक से कर सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए एंड प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।